सो गाइस प्रो कबड्डी सीजन 9 का ऑक्शन खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे मैं आपको बंगाल वॉरियर्स का फुल स्क्वाड बताने वाला हूँ। बंगाल वॉरियर्स की टीम में कौन कौन से प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको पूरा स्क्वाड देखने को मिल जाएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बंगाल वॉरियर्स की टीम में हमें टोटल 7 रेडर्स, 8 डिफेंडर्स एंड 7 ऑलराउंडर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडर्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे असलम थाम्बी देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे कैटेगरी सी के रेडर है, श्रीलंका प्लेयर है एंड 10 लाख में बंगाल वॉरियर्स की टीम ने खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें श्रीकांत जाधव देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे कैटेगरी बी के रेडर है एंड बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 26 लाख में खरीद लिया है। अब यहाँ पे बाकी प्लेयर्स की बात की जाए जो यहाँ पे रिटेन हुए हैं, तो बंगाल वॉरियर्स के रिटेन प्लेयर्स में देखने को मिल जाएंगे आकाश पिकल मुंडे, जो यहाँ पे कैटेगरी सी के रेडर है, मनिंदर सिंह जो यहाँ पे कैटेगरी ए के रेडर है, प्रशांत कुमार जो यहाँ पे NYP है, आर गुहान जो यहाँ पे NYP है एंड सुयोग गायकार जो यहाँ पे NYP है। तो टोटल ये है बंगाल वॉरियर्स के रेडर्स एंड अब यहाँ पे डिफेंडर्स पे नजर डाल लेते हैं। तो 8 डिफेंडर्स में देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहले अमित योरान जो यहाँ पे कैटेगरी सी के डिफेंडर है एंड बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 10 लाख में खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें गिरीश मारुति एन्नाक देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, जहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 20 लाख में खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें परवीन सेतपाल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 10 लाख में खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें शक्ति वेल देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे राइट कॉर्नर के डिफेंडर है एंड बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 12.20 लाख में खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें शुभम शिंदे देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे राइट कॉर्नर के डिफेंडर है एंड बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 20.30 लाख में खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें सुलेमान पहलवानी देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे कैटेगरी सी के डिफेंडर है, बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 10 लाख में खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें सुरेंद्र नारा देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, जहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 10 लाख में खरीद लिया है। एंड ऑक्शन से पहले बंगाल वॉरियर्स की टीम ने एक डिफेंडर को रिटेन किया था, जो यहाँ पे NYP है, जिनका नाम वैभव गर्जे है। अब यहाँ पे ऑलराउंडर्स पे नजर डाल लेते, तो यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम में टोटल हमें 7 ऑलराउंडर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अजिंक्य कापरे है, जो यहाँ पे कैटेगरी बी के ऑलराउंडर है, बंगाल वॉरियर्स की टीम ने इनको 26 लाख में खरीद लिया। फिर यहाँ पे हमें आशीष कुमार सांगवान देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे कैटेगरी सी के ऑलराउंडर है, जहाँ पे 10 लाख में खरीद लिया। देन यहाँ पे हमें बालाजी देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे कैटेगरी सी के ऑलराउंडर है, बंगाल वॉरियर्स की टीम ने इनको 20.60 लाख में खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें दीपक निवास हुडा देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे कैटेगरी ए के ऑलराउंडर है एंड यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 43 लाख में खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें रोहित देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे कैटेगरी बी के ऑलराउंडर है एंड बंगाल वॉरियर्स की टीम ने इनको 20 लाख में खरीद लिया है। फिर यहाँ पे हमें विनोद कुमार देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे कैटेगरी सी के ऑलराउंडर है एंड बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 10 लाख में खरीद लिया है। एंड ऑक्शन से पहले बंगाल वॉरियर्स की टीम ने एक ऑलराउंडर को रिटेन किया था, जो यहाँ पे मनोज गौड़ा है। तो ये है बंगाल वॉरियर्स का फुल स्क्वाड एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि बंगाल वॉरियर्स का स्क्वाड आपको कैसा दिख रहा है, 10 में से आप बंगाल वॉरियर्स को कितना रेटिंग देंगे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड इसी के साथ वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको थोड़ी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैक्सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।